ठकुराइन ने महेंद्र सिंह को हाथ लगाते हुए कहा, एजी सुनिए ना एजी। जब ठकुराइन महेंद्र सिंह को हाथ लगाती है तो महेंद्र सिंह अपनी यादों से बाहर आ जाता है। उस पल को बताते बताते महेंद्र सिंह के आंखों के सामने कृति छाया का जलता हुआ बदन घूमने लग गया था और उसका गला प्यास से सूख जाता है। महेंद्र सिंह ने कहा, पानी पानी। ठकुराइन जल्दी से टेबल पर रखी पानी का ग्लास उठाती है और अपने हाथों से महेंद्र सिंह को पानी पिलाने लग जाती है। ठकुराइन ने बड़ी बड़ी आंखें करते हुए कहा, तो इसका मतलब उस रात छाया यानी कि कृति छाया जो मेघ की स्कूल टीचर थी, आप लोगों ने उसे जलाया था? हाँ ठकुराइन, उस रात मेघ की टीचर को ही जलाया गया था। पर क्यों जी, वही तो पूछ रही हूँ। आखिर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी थी कि उस बिचारी को रात ही रात मारना पड़ा आपको? कितनी अच्छी औरत थी वो। रात ही रात में क्या मुसीबत आन पड़ी थी ये तो मुझे भी नहीं पता ठकुराइन। ठकुराइन ने रोते हुए कहा, नहीं आप झूठ कह रहे हैं। आपको पता है फिर भी आप मुझे ये बताना नहीं चाहते। शायद आपका भी छाया के साथ कोई संबंध था। ये कैसी बातें कर रही हो तुम ठकुराइन? ठकुराइन ने आंसू बहाते हुए कहा, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ ठाकुर साहब। आप मुझे बताना ही नहीं चाहते कि वो राज है क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है ठकुराइन, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि वो क्या बात थी, उसे क्यों चलाया गया था। क्या आपने जरा सी भी कोशिश नहीं की ये जानने की कि छाया को आपके दोस्तों ने क्यों जलाया? मैंने जानने की कोशिश की थी। तेज बहादुर और दनपत राय ने मुझसे कहा था कि वो मुझे बाद में बताएंगे कि आखिर उन्होंने छाया को क्यों मारा। सच ये है कि उन्होंने मुझे कभी ये राज बताया ही नहीं, मुझसे भी छुपा कर रखा। मेरे बहुत जोर देने पर दनपत राय मुझे वो राज बताने वाला था, पर उससे पहले ही उस चुड़ैल यानी कि छाया ने उसको मार दिया था। तेज बहादुर से जब भी उस राज के बारे में पूछने की मैंने कोशिश की तो हमेशा उसने उस बात पर पर्दा डाल दिया और बात को पलटते हुए कहा कि अब क्या करोगे जानकर, और वैसे भी ये राज जितने कम लोगों को पता हो उतना सबके लिए अच्छा होगा। और जितना मुझे पता चला है ठकुराइन, ये जो कुछ भी हुआ था रुद्र के कारण ही हुआ था। शायद इसीलिए तेज बहादुर ने वो राज मुझे भी नहीं बताया। ठकुराइन ने हैरानी के साथ कहा, क्या कहा, रुद्र के कारण? हाँ ठकुराइन, रुद्र के कारण। उस औरत को जलाने से एक हफ्ते पहले दनपत राय ने रात के करीब 12 बजे रुद्र को छाया के साथ मेघ गांव में देखा था। ठकुराइन ने अपना मुंह फाड़ते हुए कहा, ये क्या बात कर रहे हैं जी आप? ठकुराइन ने पूछा, वो छोटा सा बच्चा रात के 12 बजे छाया के साथ क्या कर रहा था? वही तो ठकुराइन, रुद्र की उम्र उस वक्त करीब 8-9 साल थी। ये हैरान करने वाली बात थी कि रुद्र छाया के साथ रात के 12 बजे क्या कर रहा था। कृति छाया रुद्र की टीचर थी, हो सकता है कि वो पढ़ने गया हो। तुम पागल हो रही हो क्या ठकुराइन, रात के 12 बजे भला कौन किसको पढ़ाता है? और रुद्र तो उस वक्त बच्चा था, डॉक्टर की पढ़ाई थोड़ी कर रहा था कि रात में भी कृति छाया के पास पढ़ता होगा। आप बात तो आपकी भी सही है ठाकुर साहब, पर फिर रुद्र वहां पर क्या कर रहा था? ये बात रुद्र से रिलेटेड थी, इसीलिए तेज बहादुर ने मुझे भी ये बात नहीं बताई और ये बात दबा दी। एक और बात, दनपत राय ने मुझे ये भी बताया था कि उसने उस रात रुद्र को छाया को एक सफेद रंग का झोला देते हुए देखा था। क्या कहा, सफेद रंग का झोला? आखिर क्या था उस झोले में? पता नहीं ठकुराइन क्या था उस झोले में। आपने पूछा नहीं दनपत राय से कि क्या था उस झोले में, और अगर उसने रुद्र को छाया के साथ देखा था तो उसी वक्त क्यों नहीं पूछ लिया छाया से कि वो रुद्र के साथ रात के 12 बजे मेघ गांव में क्या कर रही थी? और वैसे भी वो सरपंच थे उस गांव के, उनका हक बनता था उससे पूछना।
दनपत राय ने बताया था कि वो पूछने तो जा ही रहा था छाया के पास, पर रुद्र के पास पहुंचने से पहले ही छाया वहां से चली गई। और जब दनपत राय ने रुद्र से पूछा कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो, तो उसने उसे कोई जवाब ही नहीं दिया, बल्कि उसे घूर घूर कर देखने लग गया, जैसे उसे जिंदा ही खा जाएगा। ठकुराइन ने मुंह फाड़ते हुए कहा, क्या बात कर रहे हैं जी? हाँ ठकुराइन, ये सब बात बड़ी मुश्किल से मैंने फोन पर दनपत राय के मुंह से निकलवाई थी उसके मरने से पहले। मतलब ये सारा किया धरा बलमा टोला गांव के सरपंच तेज बहादुर और रुद्र का है, जिसकी सजा बाकी सब गांव वाले भुगत रहे हैं। हाँ ठकुराइन, मैं और दनपत राय तो बेवजह ही फंस गए थे। हमारा दोष तो सिर्फ ये था कि हम तेज बहादुर के दोस्त थे और उस पाप में हमने उसका साथ दिया था, ना ही कृति छाया को जलाते और ना ही ये दिन हमें देखना पड़ता। आज हमारा बेटा कुलदीप भी जिंदा होता। उस चुड़ैल के डर से ही तो मैंने भी हमारे कुलदीप को हमसे दूर रखा था, और उस चुड़ैल ने उसे भी मार दिया। हाँ आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं जी हाँ, और होने को कौन रोक सकता है, जो होना होता है वो तो होकर ही रहता है ना जी। पर आप देखना, चुड़ैल अच्छी हो या बुरी, उसका अंत होकर ही रहता है, क्योंकि ये उनकी दुनिया नहीं है, ये हम इंसानों की दुनिया है, उनकी दुनिया दूसरी है। देखना ठाकुर साहब, मेघनाथ मंदिर के पुजारी जल्द से जल्द उस चुड़ैल से हमें छुटकारा दिला देंगे। महेंद्र सिंह ने हाथ जोड़ते हुए कहा, हाँ ठाकुरायन, महादेव उनकी आज तीसरी पूजा में मदद करे। रात के 3 बज गए थे और आदित्य पुजारी, निर्मल पुजारी और नीरज पुजारी अभी भी हवन कुंड के पास बैठकर मंत्रों का जाप कर रहे थे। तीनों पुजारी एक के बाद एक मंत्र पढ़ के धतूरा एक के ऊपर एक रखते जा रहे थे और शिवलिंग बनाते जा रहे थे। आधी शिवलिंग बन चुकी थी, हवन कुंड में अभी भी आग चल रही थी। रोशनी के लिए बरगद के पेड़ के थोड़ी ही दूर एक खंभा लगा हुआ था जिस पर लाइट चल रही थी, उसी की रोशनी चारों तरफ फैल रही थी। तभी अचानक से चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। वो चुड़ैल अपने दांत कटकटाने लग जाती है। उस चुड़ैल के हंसने की आवाज तो सुनाई दे रही थी, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। चुड़ैल के जोर जोर से हंसने के कारण निर्मल पुजारी का माइंड डिस्ट्रैक्ट होने लग गया था। निर्मल पुजारी अपने आजू बाजू देखने लग जाता है, पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। आदित्य पुजारी अपनी आंखों से इशारा करते हुए निर्मल पुजारी से कहते हैं कि पूजा में ध्यान लगाओ, आजू बाजू मत देखो। निर्मल पुजारी फिर से मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। नागेंद्राय, त्रिलोचनाय, भस्मांगराय, महेश्वराय। जैसे ही निर्मल पुजारी ये मंत्र पढ़ते हैं कि चुड़ैल के चिल्लाने की आवाज आनी बंद हो जाती है। तीनों पुजारी वापस से पूजा में लीन हो जाते हैं। तभी अचानक से एक औरत की आवाज में मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई देती है। नागेंद्राय, त्रिलोचनाय, भस्मांगराय, महेश्वराय। ये वही मंत्र थे जो कुछ देर पहले निर्मल पुजारी ने बोले थे। तीनों पुजारी वो आवाज सुनकर हैरान हो गए थे। वो सोच में डूब गए थे कि ये मेघ गांव तो पूरा खाली है, उनके अलावा वहां पर कोई नहीं है, फिर किस औरत ने उनके मंत्रों का जाप किया था? क्या वो औरत कोई और नहीं बल्कि मेघ की चुड़ैल थी? वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि वो मंत्रों का जाप कौन सी औरत कर रही थी। मंत्रों के जाप की आवाज धीरे धीरे तेज होने लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि मंत्रों का जाप करते हुए कोई धीरे धीरे तीनों पुजारियों के पास बढ़ रहा हो। नीरज पुजारी का भी ये देखकर गला सूख गया था और मंत्रों के जाप से ध्यान हट गया था। अचानक से बरगद के पेड़ के पास लगे लाइट के खंभे पर लाइट बंद चालू होने लग जाती है। निर्मल पुजारी ने डरते हुए कहा, ये क्या हो रहा है आदित्य पुजारी जी? आदित्य पुजारी ने कहा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है निर्मल पुजारी, महादेव हमारे साथ है। खंभे की लाइट बार बार बंद चालू हो रही थी, कभी बरगद के पेड़ के पास रोशनी होती तो कभी अंधेरा। अचानक से खंभे की लाइट बंद हो जाती है, चारों तरफ घनघोर अंधेरा छा जाता है। हवन कुंड की अग्नि भी अपने आप बुझ गई थी।
तीनों पुजारी हवन कुंड की अग्नि को अपने आप बुझता हुआ देखकर हैरान हो गए थे। उनकी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। नागेंद्राय, त्रिलोचनाय, भस्मंगराय, महेश्वराय, दोबारा उसी औरत की लाइट के खंबे के पास से आवाज आती है। जैसे ही वो औरत मंत्र को पढ़कर खत्म करती है, खंबे की लाइट आ जाती है और चारों तरफ फिर से उजाला हो जाता है। जब उजाला होता है और तीनों पुजारी की नजरें खंबे पर पड़ती हैं, तो खंबे को देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। लाइट के खंबे के नीचे छाया खड़ी हुई थी। छाया ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसकी साड़ी और उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसके पेट से उसकी जली हुई चमड़ी चिपकी हुई थी। छाया के बाल खुले हुए और बिखरे हुए थे। उसकी आंखों के नीचे काले काले डार्क सर्कल बने हुए थे और होंठ भी सूख चुके थे। छाया तीनों पुजारियों को घबराते हुए देखकर जोर जोर से हंसने लग जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र का जाप करते हुए आदित्य पुजारी अपने हाथ में पकड़ा हुआ धतूरा हवन कुंड में डालते हैं, पर कुछ नहीं होता। हवन कुंड में आग नहीं लगती है। आदित्य पुजारी फिर से मंत्र पढ़कर हवन कुंड के अंदर दूसरा धतूरा डालते हैं, पर फिर भी कुछ नहीं होता। आदित्य पुजारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बार बार धतूरा हवन कुंड में डालने पर भी आग क्यों नहीं लग रही थी। तभी छाया ने अपनी आवाज में कहा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। छाया के मुंह से मंत्रों का जाप सुनकर तीनों पुजारियों के रोंगटे खड़े हो गए थे। उनके बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आखिर एक चुड़ैल अपने मुंह से दैवीय मंत्रों का जाप कर सकती है। छाया जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है, क्या सोच रहे हो पुजारियों? यही कि एक चुड़ैल कैसे अपनी जुबान पर महादेव का नाम ले सकती है। तुम शायद भूल रहे हो कि महादेव देव और असुर दोनों के देवता थे, और मैं महादेव की तुमसे भी बड़ी भक्त हूँ। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इतना कहकर छाया जोर जोर से हंसने लग जाती है। छाया की हंसी की आवाज मेघ गांव में गूंजने लग जाती है। छाया ने हंसते हुए कहा, मैंने तुम्हारे गुरु पंडित सुशलाचार्य को तड़पा तड़पा कर मारा था, और आज रात मैं तुम तीनों को तड़पा तड़पा कर मारूंगी। आदित्य पुजारी ने कहा, तू ऐसा कुछ नहीं कर सकती चुड़ैल। मैं सब कुछ कर सकती हूँ आदित्य, क्योंकि मैं एक चुड़ैल हूँ और चुड़ैल सब कुछ कर सकती है। समझा भाड़िया? नीरज पुजारी ने कहा, हमें मारने से पहले आज रात हम तुझे मार देंगे चुड़ैल। हम तो तुझे चंद्र ग्रहण के दिन मुक्ति दिलाने वाले थे, पर लगता है तुझे मुक्ति की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। छाया ने हंसते हुए कहा, देखते हैं नीरज आज कौन किसे मुक्ति दिलाता है। तीनों पुजारी मंत्रों का जाप करने लग जाते हैं। नागेंद्र हराए, त्रिलोचनाए, भस्मंगराए, महेश्वराए, एक साथ वो जाप कर रहे थे। तीनों पुजारी छाया के पास बढ़ने लग जाते हैं जाप करते हुए। छाया अपने दोनों हाथों से अपने कान बंद करने लग जाती है, और जैसे जैसे तीनों पुजारी मंत्र पढ़ते हुए छाया के पास बढ़ते जाते हैं, छाया जोर जोर से चीखने लग जाती है, नहीं नहीं, रुक जाओ, बंद करो मंत्र को पढ़ना, नहीं रुक जाओ वहीं पर। तीनों पुजारी छाया के पास पहुंच जाते हैं। छाया अभी भी लाइट के खंभे के पास खड़ी हुई थी और जोर जोर से चीखे जा रही थी। वो अपने दोनों हाथों से कानों को बंद कर रही थी। वो तीनों पुजारी छाया के पास पहुंचकर उसके कानों में एक साथ, नागेंद्र हराए, त्रिलोचनाए, भस्मंगराए, महेश्वराए, मंत्र का जाप करने लग जाते हैं। छाया और जोर जोर से चीखने लग जाती है। छाया ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ पुजारी।
माया जोर जोर से चिल्ला रही थी कि तभी अचानक से लाइट चली जाती है। बस चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। छाया के चिल्लाने की आवाज बंद हो जाती है। तीनों पुजारी मंत्र पढ़ना बंद कर देते हैं और सोचने लगते हैं कि ये छाया कहाँ गई। तीनों पुजारी छाया को आसपास ढूंढ ही रहे थे कि तभी कोई अचानक से उन तीनों पुजारियों को ऐसा लगता है कि कोई औरत उनके कान में नागेंद्र हराय, त्रिलोचनाय, भस्मांगराय, महेश्वराय मंत्र फुसफुसा रही हो। तीनों पुजारी एक साथ झट से पीछे मुड़ते हैं, पर अंधेरे में उन्हें कुछ नजर नहीं आता। अचानक से लाइट आ जाती है और आदित्य पुजारी को ऐसा लगता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब आदित्य पुजारी पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं कि छाया उसके जस्ट पीछे खड़ी हुई है। जैसे ही आदित्य पुजारी पीछे मुड़ते हैं, छाया उनका गला पकड़ लेती है और हंसने लग जाती है। छाया कसकर आदित्य का गला दबाने लग जाती है। आदित्य पुजारी अपना गला छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर वो छुड़ा नहीं पा रहे थे। आदित्य पुजारी का दम घुटने लग गया था। नीरज पुजारी आदित्य पुजारी का गला छुड़ाने के लिए छाया के पास जाता है, पर उससे पहले ही छाया अपने दूसरे हाथ से नीरज का गला पकड़ लेती है और उसका भी गला दबाने लग जाती है। निर्मल पुजारी ये सब देखकर इतना डर जाता है कि कुछ कर ही नहीं पा रहा था। उसके हाथ पैर कंपकंपाने लग जाते हैं। वो डर के मारे पसीने से भीग गया था। छाया ने अपने दोनों हाथों से आदित्य और नीरज को एक एक हाथ में उठा लिया था। वो छाया के सामने इतने कमजोर पड़ गए थे कि कुछ कर ही नहीं पा रहे थे और दोनों का दम घुटने लग गया था। छाया ने हंसते हुए कहा, तो तुम मुझे मुक्ति दिलाओगे भार्या? हरामजादों, जब तेरा गुरु वो पंडित सुशलाचार्य मेरा कुछ नहीं कर पाया तो तुम मेरा क्या कर लोगे रे मैल्या? छाया आदित्य पुजारी और नीरज पुजारी को एक साथ हवा में फेंक देती है। आदित्य पुजारी हवन कुंड के पास और नीरज पुजारी बरगद के पेड़ के पास जाकर गिर जाते हैं और जोर से गिरने के कारण दोनों ही के सिर पर गहरी चोट लग जाती है और उसमें से खून निकलने लग जाता है। छाया जोर जोर से हंसने लगती है और निर्मल पुजारी के पास बढ़ते हुए कहती है, क्यों ना मुक्ति दिलाने की शुरुआत तुझसे की जाए रे मैल्या? निर्मल पुजारी ने पीछे जाते हुए कहा, नहीं, रुक जा, ऐसा कुछ मत करो। छाया ने निर्मल के पास बढ़ते हुए कहा, निशांत पुजारी की तरह तू भी मटका पुजारी बनना चाहता था ना निर्मल? फिर क्या हुआ, तूने उम्मीद क्यों छोड़ दी? क्या तुझे खुद पर भरोसा नहीं था? तू बचपन से डरपोक है और डरपोक ही रहेगा रे निर्मल। निशांत पुजारी से सीख, वो तुम दोनों से ताकतवर है और वो कुछ भी कर सकता है। वो दुनिया पर राज कर सकता है। सारी दुनिया एक दिन उसकी मुट्ठी में होगी। निर्मल ने डरते हुए कहा, तुम कैसे जानती हो निशांत पुजारी को? छाया ने निर्मल की आंखों में देखते हुए कहा, मैं सबको जानती हूँ निर्मल। तुम भी मेरे साथ आओ मेरे दल में, फिर हम इस दुनिया पर राज करेंगे। इस दुनिया को काली दुनिया बनाएंगे, हमारी दुनिया, जहाँ पर शैतान का राज होगा। निर्मल पुजारी को देखकर ऐसा लग रहा था कि निर्मल छाया की बातों में आ रहा हो और धीरे धीरे उसके वश में हो रहा हो। निर्मल पुजारी धीरे धीरे छाया की तरफ बढ़ने लग जाता है। नहीं निर्मल, उसके पास मत जा, उसकी बातों में मत आ, नीरज पुजारी ने चिल्लाते हुए कहा। नीरज पुजारी अभी भी बरगद के पेड़ के पास गिरा हुआ था और उसके पैर से भी खून निकलता जा रहा था। छाया ने कहा, आओ निर्मल, हमारे साथ आओ, हमारे दल में आ जाओ। अगर तुम्हें दुनिया पर राज करना है तो आओ निर्मल, आ जाओ। निर्मल पुजारी छाया के पास पहुंच जाता है। निर्मल पुजारी अपना सिर छाया के कान के पास ले जाने लगता है। छाया भी निर्मल के थोड़े करीब चली जाती है।
निर्मल पुजारी ने अपना मुंह खोला ही था कि तभी छाया समझ जाती है कि निर्मल पुजारी ने अपना मुंह मंत्र पढ़ने के लिए खोला है, क्योंकि उसके मुंह से ओम निकला था। निर्मल पुजारी अपना मंत्र पूरा करता उससे पहले ही छाया अपना हाथ आगे बढ़ाती है और निर्मल पुजारी के पेट में घुसेड़ देती है और उसकी नाभि बाहर निकाल लेती है। निर्मल पुजारी के पेट से खून निकलने लगता है और वो जोर जोर से चीखने लग जाता है। ये खौफनाक मंजर देखकर नीरज पुजारी ने रोते हुए कहा, नहीं नहीं। छाया का हाथ निर्मल पुजारी के खून से भर जाता है और उसके हाथ में निर्मल पुजारी की नाभि है। मुझे तो पता ही था हरामजादे, तू कभी मेरा साथ नहीं देगा। तुझमें निशांत पुजारी वाली बात कहाँ है? जो दुनिया पर राज करना चाहता हो। छाया अपने हाथ में निर्मल पुजारी की नाभि उछालने लग जाती है और अब नीरज के पास बढ़ने लग जाती है। छाया ने नीरज के पास बढ़ते हुए कहा, अब तेरी बारी है नीरज, मेरे दल में आ जा, वरना तू भी मरेगा। आ जा नीरज, आ जा।